कानपुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न इनका ये है कि ये कानपुर में ही अब नौकरी चाहते हैं क्योंकि इनकी माँ कानपुर में अकेली हैं, पिता का सुख नहीं है, पिता का देहांत हो चुका है और फिलहाल ये पावर प्लांट में काम कर रहे हैं। तो क्या कितने आसार हैं कि इन्हें कानपुर में नौकरी मिलेगी और क्या अच्छी नौकरी इन्हें मिल पाएगी? शुक्ला जी, आपके होरोस्कोप का रीडिंग करके ये तो पता चलता है कि नौकरी स्थान से 12वें स्थान में जो शनि विराजमान हुआ है तो आपको नौकरी तो बाहर ही रहेगी, यानी जहां आपकी जॉब है वहां ही रहो, आप कानपुर में नहीं जा सकते हो। क्योंकि आपका सुख स्थान, जिसको आराम स्थान बोलते हैं, जिसको अपना जन्म स्थान बोलते हैं, उस जगह पे यानी चौथे स्थान के अंदर केतु विराजमान है। तो आप मम्मी का थिंकिंग चतुर्थ लग्न में होने से आपको मम्मी का थिंकिंग ज़्यादा है, माँ का थिंकिंग है, लेकिन आप माँ के पास ज़्यादा नहीं जा सकते हो क्योंकि आपकी कुंडली में ये चौथे स्थान में जो केतु बैठा हुआ है तो आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। पहले एक बात बता दूँ, दूसरे नंबर में कि आपको वहाँ अच्छी जॉब मिलने के आसार नहीं है क्योंकि इस कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ स्थान से नौकरी स्थान यानी आपके नवा स्थान जो है उसी जो भी नवे स्थान का मालिक भी उससे 12वें स्थान में यानी अष्टम स्थान में गुरु विराजमान है तो आपकी जॉब जितनी दूर रहे उतनी अच्छी है। हाँ, एक चीज आपको बता सकता हूँ कि यदि चतुर्थ स्थान को पावर में लोगे यानी कि अपनी माँ को अपने पास ला दोगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ माँ को ला दो, माँ को अकेला मत रखो, लेकिन अपने जन्म स्थान में वहाँ रखने से आपने देखा होगा कि जब आपके माँ के पास आप ज्यादा रहते हो तो उनका तबियत भी ज्यादा बिगड़ता है, लेकिन आप जब उनसे दूर होते हो तो उनका तबियत इतना नहीं बिगड़ता है। लेकिन जन्म स्थान छोड़ के यानी स्थान परिवर्तन बोलते हैं तो आपकी कुंडली ये बता रही है कि माँ के लिए यदि स्थान परिवर्तन करवा के आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ यदि ला देते हो तो फायदा रहेगा। और आप हो सके तो आपकी कुंडली में कैमद्रुम दोष है, ग्रहण दोष लगा हुआ है चंद्र राहु का, उसका पूजन करवा लेना और इसके साथ आप एक व्हाइट पोखराज का स्टोन धारण कर लो तो जीवन में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आपकी मन की जो भी पूर्ण इच्छा चाहिए वो पूर्ण होते हुए ये कुंडली दिखा रही है। बिल्कुल, यानी जो बातें आपको कल्पेश जी ने कही हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी और जो भी चिंता इस वक्त आपको सता रही है वो जरूर दूर होगी। पेश एस्ट्रो सर्विसेज, कल्पेश जी उपाध्याय, ज्योतिर्ज्ञाता ज्योतिर्भूषण, 100% परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन, 323 अक्षर आर के, ऑपोजिट भीम नगर फायर स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। कॉन्टैक्ट अस 8866507225।